हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वैक्सीनेशन को लेकर। वैक्सीनेशन क्या होती है, कैसे काम करती है, क्यों दी जाती है, कितने टाइप की वैक्सीन्स होती हैं, ये सारा का सारा आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। जितना सिंपल हो सकता था मैंने इसको बनाने की कोशिश की है, आपको आराम से पूरी वीडियो समझ आ जाएगी। स्टार्ट करने से पहले, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई आपकी क्वेरी रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वैक्सीनेशन से आपको क्या समझ आता है कि आप किसी चीज का वैक्सीनेशन करा दीजिए, किसी एनिमल का, किसी ह्यूमन का वैक्सीनेशन करा दीजिए। क्यों कराया जाता है वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन का मतलब होता है आप किसी एनिमल को वैक्सीन लगाएं और उसके बाद जो इसकी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है तेज हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करनी होती है, इसलिए आप क्या कराते हैं, उसका वैक्सीनेशन कराते हैं। कई बार वैक्सीनेशन को इम्यूनाइजेशन भी बोल दिया जाता है। तो इम्यूनिटी जो है आपको क्रिएट करनी है। अब इम्यूनिटी जो है आपको समझना पड़ेगा अगर आपको जो है वैक्सीनेशन समझना है। इम्यूनिटी क्या होती है एंड कैसे जो है इम्यूनिटी डेवलप होती है, बिल्ट होती है बॉडी के अंदर। तो इम्यूनिटी क्या होता है, आपका जो है नेचुरल प्रोसेस होता है। मतलब अगर आप वैक्सीन ना भी लगवाएं तो इम्यूनिटी जो है नेचुरली बॉडी के अंदर होती है। अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया कल को, कोई वायरस कल को बॉडी के अंदर आ जाता है, कोई बैक्टीरिया आ जाता है, कोई वायरस आ जाता है और वो बॉडी के अंदर घुस जाता है, अगर वो बॉडी के अंदर घुस जाता है या फिर कहिए ब्लड के अंदर आ जाता है, तो क्या करता है, आपके जो कुछ सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर जिनको बोला जाता है इम्यून सेल्स, वो इम्यूनिटी सिस्टम के पार्ट होते हैं। जैसे कि आपका मैक्रोफेज, जैसे कि आपका टी सेल्स, जैसे कि बी सेल्स, वो क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा पकड़ लेते हैं, इसको जो है घेर लेते हैं, इसको एनगल्फ कर लेते हैं, इसको निगल जाते हैं, ठीक है, इसको अपने अंदर निगल जाते हैं और ये किसके पास लेके जाते हैं, आगे सेल्स के पास लेके जाते हैं। तो मान लीजिए ये टी सेल्स के पास लेकर गए, तो टी सेल्स क्या होते हैं आपके, वो भी आपका इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो टी सेल क्या करते हैं, आपका बी सेल से बात करते हैं, बी सेल से क्या होती है, बातचीत होती है, बी सेल से बातचीत होती है, बी सेल से बोला जाता है कि यार ऐसा है कि एक नया जो है बैक्टीरिया बॉडी के अंदर घुस आया है, एक नया वायरस घुस आया है बॉडी के अंदर, तुम इसको मारने के लिए क्या बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ, तुम इसे मारने के लिए क्या बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ। एंटीबॉडी टर्म यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी वैक्सीनेशन जो है इस वर्ड के ऊपर टिकी है। अगर एंटीबॉडी बनती है इसका मतलब वैक्सीनेशन सक्सेसफुल है, अगर एंटीबॉडी कम बनती है या नहीं बनती है इसका मतलब वैक्सीनेशन वीक है, वैक्सीनेशन का शेड्यूल पूरा नहीं हुआ है। तो जो है आपका बी सेल्स क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। अगर बी सेल को भी आप पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो बी सेल सबसे पहले बनाता है आपका प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स इसका मतलब क्या है, इनका इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं भी आपको समझाऊंगा। तो टी सेल क्या बोलता है बी सेल से कि तुम क्या बनाओ यार, एंटीबॉडी बनाओ। तब तक तुम एंटीबॉडी बनाओगे तब तक मैं इस वायरस या बैक्टीरिया को खुद मारता हूं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक मतलब सेल जो है खुद जाकर उसको मारेगा, ठीक है। तो सेल उसको खुद जाकर मारेगा मतलब सेल मीडिएटेड मतलब CMI, इसको बोला जाता है CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब यहां पर जो है बी सेल क्या बनाएगा, एंटीबॉडी, तब एंटीबॉडी इसको जाकर मारेगा, उसको बोला जाता है ह्यूमरल इम्यूनिटी HI, ठीक है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो आपकी एंटीबॉडीज होती है वो ब्लड के अंदर होती है, ठीक है। ये सेल्स आपके टिश्यू के अंदर भी हो सकते हैं लेकिन आपकी जो एंटीबॉडीज होती है वो हमेशा ब्लड के अंदर होती है एंड ब्लड को बोला जाता है लिक्विड, ब्लड लिक्विड की तरह होता है, इसलिए इसको बोला जाता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो हम फोकस करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी के ऊपर। तो आपने क्या किया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या बना दी, एंटीबॉडी बना दी। लेकिन इससे पहले आपने क्या बनाया था, प्लाज्मा सेल। इसका दूसरा नाम होता है मेमोरी सेल। मेमोरी सेल मतलब, मेमोरी का मतलब क्या होता है, आपने आज कोई चीज याद करी, आपको कोई चीज याद हो गई, आपसे मैं 10 साल बाद पूछूं कि यार मेरे को जो है इसका फॉर्मूला बता दो क्या है, मतलब दो का टेबल सुना दो, तो फटफट फटफट बताते चले जाएंगे, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर क्या हो गया, वो चीज स्टोर हो गई है। सेम चीज इस बैक्टीरिया, इस वायरस के लिए जो है क्या एंटीबॉडी बनानी है, वो प्लाज्मा सेल के अंदर स्टोर हो गई है। अब जब भी आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, वो सेम बैक्टीरिया, सेम वायरस अगर बॉडी के अंदर घुस आया तो क्या होगा, ये प्लाज्मा सेल एकदम से एक्टिवेट होगा कि यार ये तो मेरा वाला ही वायरस है, 20 साल पहले इससे निपटा था, आज ये वापस आ गया, एंड एकदम से वो क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बहुत जल्दी जल्दी बनाएगा, ठीक है। जब एंटीबॉडी जल्दी जल्दी बनेगी तो उसके बाद जो इसको जल्दी से मार दिया जाएगा। इस रिस्पॉन्स को बोला जाता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जो हमने सबसे पहले रिस्पॉन्स पढ़ा था इसको बोला जाता है प्राइमरी रिस्पॉन्स।
ठीक है, अब आपको समझना है वैक्सीनेशन। मैं धीरे धीरे जो है वैक्सीनेशन पर आ रहा हूं, अब आपको ध्यान देना है चीजों के ऊपर मैं क्या बोल रहा हूं। इस वाले रिएक्शन को इनिशियली क्या बोला गया, जब पहली बार बैक्टीरिया घुसा, जब पहली बार वायरस घुसा, उसको बोला जाता है प्राइमरी रिस्पॉन्स। दूसरी बार अगर वायरस आ गया, तीसरी बार का अगर आ गया, चौथी बार आ गया, तो उसको बोला जाएगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो जब प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है तो उसमें लगता है थोड़ा टाइम, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, पहले टी सेल के पास, फिर बी सेल के पास, फिर प्लाज्मा सेल, फिर एंटीबॉडी, तो क्या लगता है टाइम लगता है। अब तब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है तो उसमें टाइम कम लगता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंदर जो होता है नुकसान कर चुका होता है ऑलरेडी, क्या आपका जो है बैक्टीरिया नुकसान कर चुका होता है और ये एंटीबॉडी लेट बनती है, जिस वजह से रिस्पॉन्स इतना स्ट्रांग नहीं होता, रिस्पॉन्स इतना स्ट्रांग नहीं होता, वीक रह जाता है। लेकिन अगर आपका दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, मतलब आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा आपका प्रोवोकिंग होता है, क्योंकि आपकी जो एंटीबॉडी होती है वो बहुत जल्दी जल्दी जो है बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करा, प्राइमरी रिस्पॉन्स देख लिया, सेकेंडरी रिस्पॉन्स देख लिया, सीएमआई देख लिया, ह्यूमरल इम्यूनिटी देख लिया। अब आते हैं वैक्सीनेशन पर। हमारा मेन मुद्दा क्या था, किसी वायरस के अगेंस्ट क्या बनाना, बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या बनाना, वैक्सीन बनाना, ठीक है। अगर बैक्टीरिया आप ऑलरेडी बॉडी के अंदर डाल दें या फिर वायरस आप खुद बॉडी के अंदर डाल दें और एंटीबॉडी बना दें, ठीक है, तो उसको भी वैक्सीनेशन बोला जाएगा। या फिर अगर आप डायरेक्ट एंटीबॉडी डाल दें उसको भी वैक्सीनेशन बोला जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट एंटीबॉडी डाल दें उसको भी वैक्सीनेशन बोला जाएगा। अगर आप वायरस डालकर या बैक्टीरिया डालकर ही रिएक्शन करा दें उसको भी वैक्सीनेशन बोला जाएगा। तो वैक्सीनेशन के मैंने दो टाइप बता दिए आपको, एक तो आपको डायरेक्ट होता है, ठीक है, आपने डायरेक्ट एंटीबॉडी डाल दी, उसको बोला जाता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव मतलब होता है अगर कोई काम आप खुद ना करें, अगर आपकी बॉडी खुद कुछ काम नहीं करती है, इसका मतलब आपने बाहर से एंटीबॉडी डायरेक्ट डाल दी इस वायरस के लिए, उसको बोला जाता है पैसिव वैक्सीनेशन या फिर कहिए पैसिव इम्यूनाइजेशन, ओके। दूसरा होता है आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव का मतलब है आपकी बॉडी एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करती है, आपकी बॉडी के अंदर ये पूरी की पूरी रिएक्शन चलती है। तो एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया। अब आते हैं हम एक एक के ऊपर, एक्टिव के अंदर क्या करते हैं, पैसिव के अंदर क्या करते हैं। तो एक्टिव के अंदर मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया या वायरस को क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर डाला जाता है। जैसे अभी आपका कोविड आया था तो कोविड के अंदर क्या किया जाता था, वैक्सीनेशन दी जाती थी, एंटीबॉडी नहीं डाली जाती थी, वैक्सीनेशन दी जाती थी। उसके अंदर क्या किया जाता था, वायरस का छोटा सा पार्ट लिया जाता था, बैक्टीरिया का छोटा सा पार्ट लिया जाता था, उसको बॉडी के अंदर डाल दिया जाता था और ये सेम चीज चलाई जाती थी, ठीक है। अब आप बोलेंगे अगर यार बैक्टीरिया वायरस डाल दो, अगर किसी के अंदर कोरोना वायरस डाल दो तो उसको तो कोरोना वायरस हो जाएगा, वैक्सीनेशन तो नहीं करानी चाहिए। ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा जो है कंफ्यूजन है लोगों को कि वैक्सीनेशन कराने से बीमारी हो सकती है। सेम चीज कोरोना वायरस के साथ हुई थी, लोगों को लगता था कि अगर वैक्सीनेशन करा लेंगे तो हमें भी वायरस हो जाएगा। लेकिन समझिए, इसके अंदर आप पूरा का पूरा वायरस नहीं डालते हैं, पूरा का पूरा बैक्टीरिया नहीं डालते हैं, इसका आप छोटा सा पार्ट डालते हैं। मान लीजिए अगर ये वायरस था तो उसका छोटा सा पार्ट जो निकालकर डाला जाता है, एंड वो जो छोटा पार्ट होता है वो सफिशियंट होता है इस रिएक्शन को कॉज करने के लिए, ठीक है, वो सफिशियंट होता है रिएक्शन को कॉज करने के लिए। अब मान लीजिए बाद में ये वायरस पूरा आया, पूरा वायरस आ गया, तो बॉडी क्या करेगी, इसको पहचान लेगी, इसके अगेंस्ट ऑलरेडी क्या बन रखी है, एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी जाकर इसको मार देगी। अब समझ गए आप, आपने छोटा सा पार्ट जो इसका डाला था बॉडी के अंदर, जिस वजह से आपने पूरे वायरस को क्या कर दिया, कवर कर दिया, पूरे वायरस को मारने की आपने एबिलिटी दे दी बॉडी के अंदर। तो ये हो गया आपका वीक, इसके अंदर डाला जाता है आपका पार्ट डाला जाता है, ठीक है। दूसरी वैक्सीनेशन होती है जिसके अंदर आप इस वायरस को जो है हल्का कर देते हैं, वायरस की जो कैपेबिलिटी होती है, वायरुलेंस होती है, मतलब अगर कोविड वायरस की जो है स्ट्रेंथ ज्यादा है उसको कम कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है अटेन्यूएटेड वैक्सीन। अटेन्यूएटेड, अटेन्यूएटेड का मतलब होता है वीक, उस वायरस को क्या बना दिया जाता है, वीक बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी जो होती है वैक्सीन बनाने का तरीका होता है, या तो वैक्सीन के अंदर छोटा सा पार्ट लिया जाता है या फिर उस वायरस को जो क्या कर दिया जाता है, वीक कर दिया जाता है, अटेन्यूएटेड कर दिया जाता है। अब जो है वायरस कैसे, बैक्टीरिया कैसे काम करता है वो आपने देख लिया, इम्यूनिटी कैसे काम करती है देख लिया। आजकल क्या होने लगा है, जो आपकी वैक्सीन होती है वो जो है एनिमल्स के अंदर बनाई जाती है। वैक्सीन क्या होती है, एनिमल्स के अंदर बनाई जाती है, या तो एंटीबॉडी डायरेक्टली एनिमल्स के अंदर बनाई जाती है या फिर ये वैक्सीन जो है एनिमल्स के अंदर बनाई जाती है। अब ये कैसे होता है ये समझिए, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि एंटीबॉडी कैसे बनाई जाती है, एंड एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी इंसान ने ये एंटीबॉडी जरूर ली होगी, अगर वीडियो देख रहा है जो,
अगर आपको टेटनस हुआ है, ठीक है, तो टेटनस अगर आपको होता है तो डॉक्टर आपको एक वैक्सीन लगाता है टेटनस की। वो जो वैक्सीन होती है उसके अंदर आपको एंटीबॉडी लगाई जाती है ब्लड के अंदर, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर क्या डाली जाती है, एंटीबॉडी डाली जाती है जो कि ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी होती है। उस एंटीबॉडी को कहां बनाया जाता है, उस एंटीबॉडी को बनाया जाता है घोड़े के अंदर, घोड़े के अंदर, हॉर्स के अंदर, ठीक है, हॉर्स के अंदर। अब आप बोलेंगे यार हॉर्स के अंदर जो है एंटीबॉडी थी, अब जो है ह्यूमंस के अंदर एंटीबॉडी कैसे काम करेगी, अलग अलग नहीं होगी? ये सवाल आपका जायज है बिल्कुल, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोटीन है, एंटीबॉडी सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है, एक छोटा सा जो है प्रोटीन का पार्टिकल होता है, चाहे वो घोड़े के अंदर बने चाहे इंसान के अंदर बने। बना किसके अगेंस्ट है, बैक्टीरिया के अंदर, वायरस के अगेंस्ट बना है, ठीक है, तो बैक्टीरिया और वायरस सेम है तो एंटीबॉडी हमेशा सेम रहेगी, चाहे घोड़े के अंदर बने चाहे इंसान के अंदर बने। इस वजह से जो है हॉर्स से जो एंटीबॉडी ली जाती है और ह्यूमन के अंदर डाल दी जाती है, क्योंकि टेटनस जो है बहुत जल्दी फैलता है, आप उसको अवॉइड करने के लिए ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर डाल देते हैं, एंड इसको बोला जाता है पैसिव इम्यूनिटी। आपकी बॉडी ने कुछ नहीं किया, आपकी बॉडी बनाएगी बनाएगी बनाएगी, टाइम लगाएगी, अपने पट से एंटीबॉडी डाल दी, ठीक है, ये हो गया आपका पैसिव इम्यूनिटी। दूसरा है आपका एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव के अंदर आपने क्या किया, कुछ एग होते हैं जैसे मुर्गी का अंडा हो गया, उसके अंदर आप क्या करते हैं, वायरस को जो है डाल देते हैं, वायरस को डाल देते हैं, वायरस को क्या कराते हैं, कल्चर कराते हैं, वायरस को क्या कराते हैं, कल्चर कराते हैं, उसके बाद जो है उसको वीक बना देते हैं, ठीक है। अगर वायरस जो है बहुत ज्यादा कल्चर करता है, बहुत ज्यादा डिवाइड करता है, तो एक टाइम बाद क्या होता है, वायरस वीक हो जाता है, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी वायरुलेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको बॉडी के अंदर डालते हैं। एक ये हो गया आपका एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि इसके अंदर बॉडी जो है एंटीबॉडी खुद बनाएगी, ठीक है, तो इसको बोला जाता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एंड उस पहले वाले को बोला जाता था आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन, जो कि टेटनस के अंदर बेसिकली दिया जाता है। तो ये आपका जो है वैक्सीनेशन, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं जो है आपको समझाऊंगा दोबारा से, लेकिन बहुत जल्दी समझाऊंगा। वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन लगाई जाती है, वैक्सीन आपका मोस्टली जो है इंट्रामस्कुलर होती है, मसल के अंदर लगाई जाती है। इसके अंदर आप या तो पैसिव इम्यूनिटी देते हैं या फिर आप एक्टिव इम्यूनिटी देते हैं। पैसिव का मतलब होता है ऑलरेडी एंटीबॉडी बनाकर डाल देते हैं किसी वायरस किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट, या फिर आप एक्टिवली डालते हैं जिसके अंदर वायरस जो होता है या तो उसकी कैपेबिलिटी कम होती है, अटेन्यूएटेड होता है, या फिर वायरस क्या होता है, छोटा सा उसका पार्टिकल होता है, वायरस का पार्टिकल होता है, बैक्टीरिया का कुछ पार्टिकल होता है, जो कि इम्यूनिटी क्रिएट करता है बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाकर एक्टिवली, इसलिए इसको बोला जाता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन या फिर एक्टिव वैक्सीनेशन, ठीक है। और एक्टिव और पैसिव समझ आ गया। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, जिसके अंदर सेल खुद जाकर बैक्टीरिया और वायरस को मारता है। आपका ह्यूमरल क्या होती है, जिसके अंदर एंटीबॉडी जो है आपकी मारती है। अगर मैं ब्रॉडली आपको क्लासिफाई कर दूं तो सारा का सारा हमने आज क्या पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमरल पढ़ा है, क्योंकि एंटीबॉडी जो है किसका पार्ट होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट होती है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब एक चीज और मैं बता देता हूं जल्दी से, जो माँ का लाइक प्रेगनेंसी का टाइम होता है, जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे को जो है इम्यूनिटी मिलती रहती है, ठीक है। बच्चे को इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है, जो माँ के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती हैं पूरी लाइफ टाइम में। मान लीजिए कभी माँ को जो है आपका जो था ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, कभी हुआ था पहले, उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडी बनी होंगी। मान लीजिए कभी कोई वायरल फीवर हुआ था, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी होंगी। वो एंटीबॉडी क्या होती है, ब्लड के अंदर इकट्ठी होती रहती है प्लाज्मा सेल्स की फॉर्म में। अब बच्चा तब पेट के अंदर होता है माँ के, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ चली जाती है, बच्चे के अंदर चली जाती है, जिससे कि बच्चे को जो है पैदा होने के बाद वो इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। बच्चे को पैदा होने के बाद वो इन्फेक्शन ना हो, माँ पहले से ही क्या करती है, एंटीबॉडी डालकर भेजती है। अब पहले से एंटीबॉडी डाल के भेजी है, इसका मतलब वो कौन सा टाइप का इम्यूनाइजेशन हो गया, एक्टिव या पैसिव, पैसिव, ठीक है। अब आपको जो है चीजें समझ आने लगी होंगी, अब आप जो है बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन के बारे में खुद पढ़ा सकते हैं। सो दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन, एक्टिव वैक्सीनेशन, पैसिव वैक्सीनेशन, कैसे बनाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और भी वीडियोज आती रहेंगी, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।